मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं ना? मास्क पहनना और हैंड वॉश करना, ये बातें तो ध्यान रखनी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है ना? ओके, तो आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं बेटा। और सबसे पहले आज हम प्रेयर करेंगे, तो प्रेयर करने के लिए सभी बच्चे अपने हैंड्स फोल्ड कर लीजिए। होल्ड योर हैंड्स। शक्ति हमें शुरू करें। देखिए क्लास 5 आज क्या करना है आपको। बुक में पेज नंबर 19 और टॉपिक क्या दिया हुआ है, पैटर्न्स। यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ है और सेम यहाँ नीचे कॉलम में दिया हुआ है, तो इसको फॉलो करते हुए ही हम इसमें भी कलरिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कलरिंग करनी है बेटा। तो इस पेज में आज हम काम करेंगे बेटा, ओपन कर लीजिए पेज नंबर 19 और टॉपिक क्या है, पैटर्न। ठीक है, तो इसमें कलर करेंगे। तो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर पैटर्न का क्या मतलब होता है। पैटर्न मतलब फ्री हैंड डिज़ाइन जो हम बनाते हैं किसी भी ब्लॉक में या फिर किसी बॉक्स में या सर्कल में या इस तरह से रेक्टेंगल में, तो उनको हम पैटर्न डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉर्डर डिज़ाइन होता है, रंगोली डिज़ाइन होता है, सबके एक एक अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक पैटर्न दिखाया हुआ है और उसी पैटर्न को देखकर बेटा यहाँ पर हमें उसमें कलरिंग करनी है। तो ये एक बॉर्डर, सुंदर बॉर्डर डिज़ाइन दिखाया हुआ है, तो इसमें आज हम कलरिंग करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये सबकी स्केचिंग कर लेंगे बेटा, लाइन्स को डार्क कर लेंगे, मोटा कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर इसमें कलरिंग करेंगे। तो स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप शुरू करिए आराम आराम से। डिज़ाइन है क्योंकि ये, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब ज़रा भी इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे कलरिंग में। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। पहले पूरी अच्छी तरह से स्केचिंग कर लीजिए, ट्रेसिंग कर लो इसको, उसके बाद फिर हम इसमें कलरिंग करेंगे। पतले ब्लैक पेन से भी आप इसे आउटलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक पेन है, क्योंकि ये बारीक डिज़ाइन है, तो जितनी पतली टिप रहेगी आपकी उससे आप अच्छी तरह से आउटलाइन कर पाएंगे। और स्केच पेन बेटा, ये बारीक डिज़ाइन में आप स्केच पेन जो है इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से रखेंगे उसकी टिप, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे, और बिल्कुल आराम से फिर ऐसे करते जाएंगे।
इसमें मेन है ये डिज़ाइन ट्रेस करना, उसके बाद कलरिंग तो आराम से हो जाएगी। तो देखिए बेटा, अब हमारी यहाँ स्केचिंग पूरी कर ली है हमने, सारा डिज़ाइन जो था हमारा उसे अच्छी तरह से आउटलाइन कर लिया है। अब हम इसमें कलर शुरू करेंगे। तो कलर्स देखिए कौन कौन से चाहिए हमें, ये है ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो, पिंक एंड रेड। ठीक है, इन कलर्स को अभी मैंने निकाला है यहाँ पर करने के लिए। और बीच में थोड़ा सा ऑरेंज भी हमें यहाँ लगेगी, यहाँ पर शेड कर देंगे येलो के ऊपर ऑरेंज का, तो वो ले लिया। और बेटा इसको मैं आपको यहाँ पर क्रेयॉन्स के साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा बारीक डिज़ाइन है, तो ऑयल पेस्टल से ये अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा उतनी सफाई से आपके साथ। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर क्रेयॉन्स के साथ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी कलर से आप उनको यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ ब्लू से शुरू करते हैं, ब्लू है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पर्पल है, पेंसिल कलर से भी ये डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर होगा, एकदम स्मूथ कलरिंग आएगी। और अगर किसी बच्चे के पास है तो वो पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम ऐसे ग्रीन लेंगे। इन लीव्स में बेटा पहले थोड़ा थोड़ा येलो कर लेंगे, येलो इफेक्ट डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम ग्रीन करेंगे इस तरह से। तरह से चलेंगे। अब क्या है, फ्लावर, फ्लावर में वही है, पहले आप पिंक करेंगे थोड़ा, और सारे पेटल्स में आप पिंक कर लेंगे, और इसमें फिर हम थोड़ा थोड़ा रेड का भी टच करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये जैसे ये डार्क पार्ट दिखाया है उसमें थोड़ा थोड़ा हम रेड भी टच कर लेंगे। सारे पैटर्न में सेम ही कलर टेक्निक फॉलो करनी है बेटा, इसी तरह से करेंगे। अब ये बीच में येलो है तो यहाँ येलो कर लीजिए। अब जो मैंने कहा था पिंक के बाद थोड़ा रेड टच करेंगे हम, तो वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप रेड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है, जो इसकी कलर, इसी तरह से आप फॉलो करके ये पूरी जो बेल बनी हुई है बॉर्डर डिज़ाइन, इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको देखते जाना है और उसी को फॉलो करना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है कलर से, अब सेम इसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। तो बेटा पैटर्न तो पूरा वही है, सेम आपको इसी को फॉलो करना है, और कलर टेक्निक भी वही है, कलर सीक्वेंस जो है वो भी उसी तरह से रहेगा। आप चाहें तो बॉर्डर में, डिज़ाइन में कलर कहीं कहीं पे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ और जैसे चेंज करना है। ये देखिए बेटा, बारीक बारीक जो लाइंस है उनको बहुत सावधानी के साथ हमने वहाँ पर कलर करना है। जैसे ये जो वेन बनी हुई है पतली सी, उसमें ग्रीन यहाँ से ऐसे करते हुए, और ये कंटिन्यू यहाँ तक चला है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप। अब ये एक फ्लावर रहता है हमारा लास्ट, वो भी कर लें। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो पेज है कंप्लीट होगा, पैटर्न वाला। पैटर्न का मतलब सब अच्छी तरह से समझ गए, फ्री हैंड डिज़ाइन को हम पैटर्न कहते हैं।
और आप ये अपने खुद के पैटर्न्स भी बना सकते हैं, मतलब अपने आप डिज़ाइन ड्रॉ करिए कोई अपना मनपसंद, तो इस तरह से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको कलरिंग करनी है, तो कलर करके आप अपने इस पेज को, पैटर्न वाले पेज को कंप्लीट करेंगे, और कलरिंग और आउटलाइनिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे बेटा। तो चलिए ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है, और अब आप सभी बच्चे अपने हैंड वॉश कर लीजिए काम फिनिश करने के बाद, और अपना काम मुझे भेज देंगे बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।